हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अडेनियम प्लांट में कैसे रूट ट्रेन किया जाता है इस विषय पर वीडियो लेकर आई हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी कि अडेनियम प्लांट के रूट ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि रूट ट्रेन कैसे किया जाता है। जो थाईलैंड वैरायटी के अडेनियम के प्लांट होते हैं ना, उसको रूट ट्रेन कैसे किया जाता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं रूट ट्रेन जो प्लांट होते हैं, बिल्कुल थाईलैंड वैरायटी के। तो हम भी इंडिया में रहकर ये चीज़ को कर सकते हैं। तो कैसे बनाना है, चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। और जो प्लांट थाईलैंड वैरायटी के रहते हैं ना रूट ट्रेन, वो कैसे दिखते हैं उसका जो पिक्चर है ना, मैं आपको लगा दूँगी, वीडियो पर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने 3 देसी रूट स्टॉक लिया है इस तरीके से। ये मेरा देसी रूट स्टॉक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला प्लांट, इसका जो एज है वो 6 मंथ है। और ये वाले जो प्लांट है, इसके जो एज है 1 मंथ की सीडलिंग है, लगभग 2 मंथ की सीडलिंग होगी ये। और देखिए, प्लांट मेरा बहुत हेल्दी है। और हेल्दी होने के साथ साथ देखिए, इसकी जो शेप है ना, बहुत सुंदर शेप में आती है। और कोडेक्स से भी देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ से पिंच किया था। पिंच करने के बाद मैंने इसे अच्छे से प्रोम दिया था। तो देखिए, इसका जो कोडेक्स है ना, प्रोम या फिर डीएपी, ऑर्गेनिक डीएपी मैंने दिया था, तो उसका जो कोडेक्स है कितना बहुत सुंदर आता है। तो ये मेरा 8th मंथ का है। और 3 प्लांट मैंने देसी वाले लिए हैं नॉर्मल ओबेसम के। और जो 3 प्लांट है ना, ये मेरे थाईलैंड वैरायटी के सीड से मैंने ग्रो किए हुए हैं। 2 मंथ की सीडिंग है ये मेरी। और आइडेंटिटी है मुझे इसका, ये वाले जो है ना, ये वाले जो, ये व्हाइट कलर के इसमें प्लांट फ्लावर आते हैं थाईलैंड वैरायटी के। और ये वाले जो प्लांट है, इसका कलर मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये थाईलैंड वैरायटी के हैं। तो लीव्स है, देखिए दोनों में अंतर ये होता है कि दोनों सेम ही लग रहा है, बट ये थाईलैंड वैरायटी के। देखेंगे इसमें से कैसे निकलेंगे। तो 5 प्लांट लिए हैं मैंने, और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो 2nd नंबर पर ये देखिए, ये रूटेक्स पाउडर है, रूट हार्मोन पाउडर लिया है मैंने। ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगर आपके पास नहीं है तो आप टर्मरिक पाउडर ले सकते हैं, साफ फंगीसाइड ले सकते हैं, दालचीनी का पाउडर ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप टर्मरिक पाउडर सबके घर पे अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद एक शार्प आपको ब्लेड लेनी है इस तरीके से। देखिए, मैंने ब्लेड लिया हुआ है, और ये ब्लेड को मैंने हाफ कट कर दिया है। ये आप, ये जो आप कोई भी कटर ले सकते हैं, लेकिन शार्प होनी चाहिए। तो इसे मैंने लिया है, और इसी से ही मैं ग्राफ्टिंग करती हूँ, ना ही मैं कोई नाइफ़ यूज़ करती हूँ, इसी से ही मेरी ग्राफ्टिंग भी होती है। तो इसे मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं। और जो भी आप लें, उसे आप अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर लीजिए। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो ये वाला है ना हमारा थाईलैंड वैरायटी का, ये देखिए, इसे हम कट लगाएंगे। और सभी 5 प्लांट को मैं एक ही डिज़ाइन देने वाली हूँ, इसलिए मैंने आपके पास इस टाइप से लाया हुआ है। तो जो भी सरफेस में आप कट कर रहे हो, उसे आप अच्छे से क्लीन कर लें। तो मैंने भी क्लीन कर लिया था। और शार्प कटिंग लगानी है फ्रेंड्स एक बार में। आपके इसके जो रूट्स वाला जो है ना एरिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रूट्स वाले जो एरिया है ना, उसको आपको पूरा क्लीन कर लेना है, मतलब काट लेना है पूरा इस तरीके से शार्प। तो ये देखिए, बहुत ईजिली ये निकल गई है इस तरीके से, ये देखिए। तो इसे भी हम काट लेते हैं जल्दी से। और ये वाला देखिए, इसमें भी रूट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, तो इसे भी मैं कट करके निकाल लेने वाली हूँ। देखिए, एक बार में ही, अभी आप कोई सार पर लेते हैं ना, तो ये देखिए, एक बार में ही हमारी कटिंग लग गई। और इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसे भी मैं ग्रो कर लूँगी, इससे बहुत अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो मैं इसमें फेंकूँगी नहीं जो सार है, तो इसकी भी कटिंग हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसे भी हम कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में लगाएंगे, तो ये भी ग्रो हो जाएगी, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 3 कट्स लगाए हैं। और ये वाले में भी, ये जो देसी ओबेसम है ना, उसमें हम लगा लेते हैं। तो इसमें भी हम इस तरीके से, ये देखिए, शार्प कटिंग लगा लिए। और ये वाला जो है, इसे थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा वाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसे मैं पूरा कट कर लूँगी, क्योंकि ये न्यू है, हमारा कोडेक्स है, तो इसे मैं यहीं से ही कट लगाऊंगी। ये देखिए, एक बार में कटिंग लगा लीजिए, बहुत शार्प ब्लेड था मेरा, तो एक ही बार में कटिंग लग गया, ये देखिए इस तरीके से।
जो देखिए, तो आपको ऐसे इस तरीके से देखिए शार्प कटिंग करनी है। और आपका ये जो है ना, आप रख के किसी चीज में देख लीजिए कि कटिंग आपकी बराबर है कि नहीं। तो मेरी कटिंग देखिए बिल्कुल बराबर है और ये बिल्कुल स्ट्रेंड हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके साइड से है ना, इसे हम बिल्कुल शार्प निकाल लेना है हमको, ताकि यहीं से हमको रूट्स ग्रो करने हैं। और जो मेरी ब्लेड है ना, बहुत ही ज़्यादा शार्प है, तो बिल्कुल बारीक हाथों से, ये देखिए, आपको एक बार में ऐसे कट लगा लेनी है। ये देखिए, और रेनी सीजन में ये काम ना बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि रूट से जो का डेवलपमेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है। तो अगर आपके पास जो प्लांट अगर रूट रॉट हो गया है, जिसके जो कोडेक्स को आपको कट करना पड़े, तो आपको न्यू प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से आपको कट लगानी है। ये देखिए ये मैंने ऐसे कट लगाया है। वैसे ही आपको इस तरीके से सारे प्लांट में मैं आपको कट लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे में किनारे किनारे पर इस तरीके से कट लगा लिया है। और आप हो सके तो ये वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे साफ फंगीसाइड लगा लीजिए, तो वो भी लगा के मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये जो किनारे का पोर्शन है ना, वहाँ वहाँ पे आप अपना रूट टेक्स जो पाउडर है ना, उसे अच्छे से लगा लें। तो ये देखिए मैं भी लगा लेती हूँ, और कोशिश करेंगे कि इसे हाथ से ना छुएं, लेकिन मुझे छूना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये पाउडर है ना, देखिए ये जो पाउडर है वो अच्छे से मेल्ट नहीं है इस पर। और एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखिए चारों साइड से मैं इस पाउडर को अच्छे से लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांट पर इस तरीके से रूट हार्मोन पाउडर को लगा दिया है। और लगाने के बाद मैंने देखिए इसमें साफ फंगीसाइड लगा दिया है, क्योंकि रूट्स और कोडेक्स एकदम न्यू है, इस नाम से मैंने इसमें फंगस ना लगे, इसलिए मैंने इसमें रूट साफ फंगीसाइड भी लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, इस तरीके से देखिए आपको पॉट ले लेनी है, और क्या पॉटिंग मीडिया रहेगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पॉटिंग मीडिया है, और पॉटिंग मीडिया में मैंने लिया है 80% कोकोपीट लिया है, सॉरी 70% कोकोपीट लिया है, 20% मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन सेंट ली है बारीक वाली। और वाइट से आपको दिखाई दे रहे होंगे ना इसमें, ये परलाइट है, और ये फुल ऑप्शनल है। मैं इसमें राइस हस्क भी ले सकती थी, बट मेरे पास परलाइट अवेलेबल था, तो मैंने परलाइट लिया। और परलाइट क्या काम करता है ये भी बताती हूँ, ये मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है आपके प्लांट में। तो ये वाइट से जो है ना, इसे परलाइट बोला जाता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सॉइल मीडिया रेडी करी हुई है। और अब क्या करना है हमको, इस सॉइल मीडिया में ये देखिए, इस सॉइल मीडिया को हमको इस तरीके से थोड़ा सा फिलअप कर देना है। ये देखिए मैंने फिलअप कर दिया है। और इस तरीके से आपके पास सोल के जो टुकड़े होंगे ना, उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई भी कैप हो गया, या फिर दिए हो गए, दिवाली में जो मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। बट मेरे पास ये सोल था, तो मैंने सोल का यूज़ किया है, तो सोल ले लेती हूँ मैं। और सोल ले लेने के बाद हमको ये क्या करना है, ये जो हमारा प्लांट है ना, उसे एज इट इज़ ऐसे ही रख देनी है, और ऊपर से आपको सॉइल से ऐसे कवर कर देना है। और आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और ये देखिए, ये आसानी से इसमें चिपक गया, क्योंकि मैंने इसमें साफ फंगीसाइड डाला हुआ था। तो क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। ये जो किनारे किनारे है ना, ये सेंटर पर यहीं से आपको रूट से निकालेंगे, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है हम दबा रहे हैं इसे, तो इसे आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और इस तरीके से देखिए मैं आपको रख के दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने ऐसे रखा। और अब हमारा जो सॉइल मिक्सचर है ना, उसे ऊपर से कवर कर दें, ये देखिए, तो ऐसा कवर कर दीजिए आप। और कुछ महीनों पहले मैंने एक टावर बनाया था,
अडेनियम का 2 टावर बनाए थे, वो भी मेरे सक्सेस हो गए हैं। सभी की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से है और मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में उसका अपडेट कैसा रहा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको प्लांट को रिपोर्ट कर लेना है और ऐसी करके मैं सारे प्लांट को रिपोर्ट कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने 5 प्लांट बोल रही थी, मैं 6 प्लांट मैंने निकाले थे, काउंट करने में मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये देखिए 6 प्लांट है, जिसमें से 3 ओबेसम है और 3 जो है वो थाइलैंड वैरायटी है। तो इस तरीके से मैंने 6 प्लांट को रिपोर्ट किया है रूट ट्रेनिंग के लिए। और अभी हमको क्या करना है, क्योंकि देखिए हम इसके जो कोडेक्स है और उसके जो रूट सिस्टम है ना, उसको हमने कट कर दिया है। तो ये प्लांट थोड़े से शॉक में तो जाएंगे ही जाएंगे, ऑब्वियसली है कि ये जाएंगे ही जाएंगे, अपने लीव्स गिरा देंगे। तो हमको डरना नहीं है, हमको सिर्फ ये करना है कि इसे हमारा जो हिले बस मत ये, ऐसा इसकी हमको अरेंजमेंट करना है। तो हमारा जो सॉइल है कोकोपीट सेंट और परलाइट वाला, उस पर थोड़ा सा मैंने साफ फंगीसाइड डाला हुआ था, तो उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर बनी हुई थी, पहले से इसके जो सॉइल हैं वो गीले थे। तो हम ये हिले ना करके हम इस पर कुछ सपोर्ट देंगे, तो मैं ये सपोर्ट देने वाली हूँ इस तरीके से। देखिए मेरे पास मोटे मोटे जो सेंट होते हैं ना, उसके ग्रेवल्स हैं, तो इसके आसपास हमको किनारे किनारे इस ग्रेवल्स को डाल देना है, ताकि हमारा जो प्लांट है ना वो हिले ना। तो चलिए मैं सभी ग्रेवल्स को डाल के आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो मोटे वाली जो बजरी है ना, ग्रेवल्स है, उसको सभी को मैंने इस तरीके से देखिए पॉट पे डाल दिया है, फिलअप कर दिया है, ताकि अब इसमें देखिए रूट का सिस्टम अभी नहीं है, तो अभी बारिश का सीज़न है हमारे यहाँ, तो थोड़े बहुत भी अगर हमारे जो प्लांट है ना, अगर हवाओं से थोड़े थोड़े भी हिलेंगे ना, तो देखिए ये जो ग्रेवल्स है ना, उसे हिलने नहीं देंगे। इसके लिए स्टेबिलिटी हो गई है, ताकि रूट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सके। तो मैंने कैसे फिलअप किया है आपको बताती हूँ। ये जो नॉर्मल है ना, ये मैंने यहाँ पर मोटी वाली बजरी ली है यहाँ तक, उसके बाद मैंने मीडिया बनाई हुई थी वो ली हुई है, सॉरी मैंने यहाँ तक बजरी ली है, उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट डाला है, लगभग 1 टेबल के स्पून। और जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये मैंने जो मीडिया मैंने बनाई थी ना, उसे मैंने यहाँ तक फिलअप किया है। और उसके बाद फिर मैंने इस तरीके से इसे लगाया, फिर ऊपर से ग्रेवल से मैंने इसे पूरा कवर कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी इसमें, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो सॉइल है वो मॉइस्ट था, तो मैं इसमें स्प्रे फॉर्म में कल मॉर्निंग में इसमें स्प्रे मार दूंगी, ताकि जो हमारा जो प्लांट है उसमें मॉइस्चर बना रहे। तो अगर आपने साफ फंगीसाइड ऐड नहीं किया है, तो आप साफ फंगीसाइड वाला वाटर को स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी रखने का जो प्लेस है ना, इसका आप बिल्कुल, जब तक इसमें आपको थोड़ी सी बहुत ग्रोथ नज़र नहीं आ जाती है, तब तक इसे आप छांव वाले से एरिया में रखें लगभग 15 दिन, और उसके बाद आपको इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आएगी ना, तो आप इसे फिर फुल सनलाइट पर प्रोवाइड करते जाइएगा। और जो इस तरीके से रूट ट्रेन प्लांट होते हैं ना, उसको 6 मंथ में आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, लगभग अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त सेप्टेम्बर हो गया, अक्टूबर में मैं इसे हो सके तो रिपोर्ट करूंगी। अगर नहीं करना है मुझे रिपोर्ट, मुझे लगेगा कि इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आएगी, तो फिर मैं इसे नेक्स्ट फरवरी एंड में स्प्रिंग सीजन में ही रिपोर्ट करने वाली हूं। तब तक इसमें बहुत सुंदर एरियल रूट आ जाएगी, कन्फर्म हूँ मैं। और देखेंगे, क्योंकि अक्टूबर में मैं अगर इसे रिपोर्ट करती हूँ, तो फिर आसाम में हमको विंटर का सामना करना पड़ रहा है, तो विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है अडेनियम प्लांट का। तो देखेंगे, जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे मैं इसको रिपोर्ट करते जाऊंगी। और तो इस तरीके से देखिए, मैंने 6 जो प्लांट है रूट ट्रेन किए हैं, और एक प्लांट है जो मैंने 2 मंथ पहले ही रूट ट्रेन किया था, उसे भी मैं उसका अपडेट आपको देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वो यही प्लांट है, तो एक प्लांट यहाँ पे था तो वो रूट रॉट हो गया। होता है ऐसा, जब भी आप ट्रेन करें तो कम से कम एक एक्स्ट्रा लेकर ही चलें। और सेकंड प्लांट ये है देखिए, रूट ट्रेन वाला, जिसमें देखिए मैं इसको टावर का रूप बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए इसका कोडेक्स है, और इसका रूट भी अभी रेनी सीजन में फूल चुका है। और सेकेंड वाला प्लांट भी देखिए, ये टावर बना हुआ है मेरा। तो इस प्रकार से मैंने 2 प्लांट रूट
ट्रेन किए थे। और जो थर्ड प्लांट है उसका ग्रोथ तो क्या ही कहना, आपको वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए थर्ड वाला प्लांट यही है जिसके साथ मैंने इसे किया था, और ये काफ़ी मैच्योर प्लांट था। जब इसे मैंने रिपोर्ट किया ना तो इसके सारे लीव झड़ गए थे और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि ये प्लांट को मैं नहीं बचा पाऊंगी। बट देखिए अगर आप कोई भी चीज़ किसी मन से कोई चीज़ का मेहनत करते हैं ना तो उसका उसकी सफलता निश्चय है। तो ये देखिए ये मेरा प्लांट बहुत सुंदर कोडेक्स वाला हो गया है। इसका कोडेक्स भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, और इसमें भी मैंने पूरा रूट ट्रेन करा हुआ है। और ये जैसे ही मैंने इसे लगाया था कोकोपीट, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी कोकोपीट और सैंड के मिश्रण में, ये वही सॉइल में लगा हुआ है। इसे मैंने रिपोर्ट नहीं किया है, फरवरी में मैं इसे रिपोर्ट करूंगी। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसके नीचे मैंने सोल रखा हुआ है और ये प्लांट पूरा रूट ट्रेन है। यहाँ से देखिए इसके बारीक बारीक से रूट हमको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और मैं आपको खसका के दिखाऊंगी। ये देखिए ये भी यहाँ से रूट्स निकल गई है, और ये बहुत देखिए इसका कोडेक्स भी बहुत प्यारा हो गया है। तो इस तरीके से रूट ट्रेन किया जाता है थाईलैंड वैरायटी के प्लांट और वेसम के प्लांट। और एक प्लांट तो मैंने जिसको रूट ट्रेन भी नहीं किया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये नॉर्मल ओबेसम का प्लांट है जिसकी मैंने कोई भी रूट ट्रेन नहीं करी हुई है। अब लगभग ये देखिए बारिश बंद हुई है हमारे यहाँ भी, और इसका कोडेक्स देखिए, ये देखिए इसका कोडेक्स इतना अच्छा हुआ हो गया है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी रूट ट्रेन ही प्लांट, ये हाँ ये रूट ट्रेन ही प्लांट थे। तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। तो आप भी अगर ओबेसम प्लांट है आपके पास, जो भी प्लांट है आप उसको नए डिफरेंट डिज़ाइन दीजिए, बहुत सुंदर दिखते हैं अडेनियम की इस तरीके के प्लांट। तो बस फ्रेंड अगर वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।